हाय स्टूडेंट, मैं हूं अंकित शर्मा और स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। तो अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की 6.2। तो शायद 6.1 जो थी आपको बड़ी अच्छे से समझ में आ गई है, क्योंकि रिस्पांस बड़ा अच्छा मिल रहा है 6.1 पे। तो अब देखिए 6.2 क्या है, एक्सरसाइज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में देखेंगे। इसके सिर्फ दो ही क्वेश्चन है, तो ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनेगा इसको, और हर वीडियो में आपको एक एक्सरसाइज कराई जाएगी, आप टेंशन मत लीजिएगा। तो आज के लिए आपका कम ही वर्क रहेगा जहां तक मेरे को लग रहा है। देखिए क्या है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो बोला है फाइंड द स्क्वायर ऑफ नंबर्स, गिवन नंबर्स। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया है आपको, पीडीएफ पे तो ऐसा तो मिल ही जाती है। क्वेश्चन लिखा है कि भाई ये जो नंबर हैं इनके आपको स्क्वायर निकालने हैं, इनके स्क्वायर निकाल के बताओ, आप पूरे आंसर बताओ। यूनिट डिजिट नहीं बतानी है कि पिछले की तरह कर दिया कि वन का स्क्वायर वन हो गया तो भाई यूनिट डिजिट वन आ गई, नहीं, पूरा स्क्वायर इसको बताना है कि पूरा स्क्वायर कितना होगा। तो जैसे मैं एक बार बात करूं 32 की, 32 का स्क्वायर कैसे निकलता है, 32 को 32 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना बनता है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 सॉरी, और 3 3 जा 9 कितने बनते हैं, 4 12, 1 कैरी 10, ये आता है। सो ट्रिक मैंने बताई आपको कैसे निकालते हैं। 32 का अगर स्क्वायर निकालना हो, 3 का स्क्वायर लिख दो 9, 2 का स्क्वायर लिख दो 4। अब 4 तो लिख दिया आपने, लेकिन 4 से पहले 0 लगाओ क्योंकि 2 डिजिट आने चाहिए यहां पे। ठीक है, क्या करना है, 3 का स्क्वायर दो 9 और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, लेकिन 4 के लिए यहां पे 0 एक्स्ट्रा आना चाहिए, 2 डिजिट आनी चाहिए थी यहां पे, 2 डिजिट आ गई, अभी 0 यहां पे लगाना पड़ेगा हमें। और 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया कितना होता है 6, और 6 का डबल कितना होता है 12, उस 12 को यहां पे लिखना है एक डिजिट छोड़ के। मैंने बताया था आपको यहां तो 2 डिजिट आनी है, उसके बाद में एक डिजिट छोड़ के यहां पे लगा दे। तो क्या बन गया यहां पे, ये बन गया 4, ये बन गया 2 और ये बन गया 10, तो अपना आंसर आ गया यहां पे। तो ये शॉर्ट ट्रिक आपको काम में लेनी है, ठीक है, मल्टीप्लाई करने से अच्छा। जैसे मान लीजिए 8 और 6 का देख लेते हैं अपन, 8 और 6 का स्क्वायर करते हैं, कितना आसान है, 8 का स्क्वायर होता है 64, 6 का स्क्वायर होता है 36, ये तो पता ही आपको, दोनों का स्क्वायर करना है। ठीक है, यहां पे डबल डिजिट आ गई तो एक डिजिट तो छोड़ देंगे। 8 6 का कितने होते हैं अपने, 8 5 होते हैं 45 और 8 6 कितने होते हैं सॉरी 8 5 होते हैं 40 और 8 6 कितने 48, 48 का डबल कर दो, कितना होता है 48 का डबल, 8 8 16, 4 4 8 96 बन गया। 96 कैसे लिखना अपने को, 9 and 6 यहां पे लिखना है और इनको प्लस कर देना है, कितना आसान है, 6 आ गया, 6 और 3 9 आ गया, 9 और 4 13, 1 कैरी आ गया और 7 आ गया, तो अपना आंसर क्या आ गया, 7 3 9 6 आवर आंसर। ये बस डायरेक्ट अपने आंसर है, ऐसे आपको सबको सोल्व करना है बिना किसी भी डाउट के। 71 का अगर स्क्वायर करोगे तो आप कैसे करोगे, 7 का स्क्वायर तो 49 लिख दोगे भाई, और 1 का स्क्वायर कितना करोगे 1 करोगे, लेकिन 1 नहीं आना चाहिए, डबल डिजिट आनी चाहिए, इधर वाले से मतलब मत रखो कि डबल आए ट्रिपल आए कितनी भी आ सकती है, यहां वाला क्या 0 1। अब देखिए 7 1 जा 7 होता है और 7 का डबल कितना हो गया 14 14, यहां पे लिख दो इस एक डिजिट को छोड़ के, तो ये आ गया 1, ये 4, 10 1 कैरी आ गया तो 5, ये 5 0 4 1 इसका आंसर हो गया। तो आपको इन सबके ऐसे डायरेक्ट ट्रिक से निकालने हैं, स्क्वायर कैसे इनका फाइंड करोगे। अगर आपको ट्रिक नहीं आती तो आप मल्टीप्लाई से भी कर सकते हो, लेकिन मेरा मानना यही है कि आप मल्टीप्लाई से इनको ना करें, क्योंकि जो शॉर्ट ट्रिक है वो आपका काफी टाइम बचाएगी। तो ये तो आपके भाई क्वेश्चन थे, बाकी क्वेश्चन आपको इसमें सॉल्व करने हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है, बोला पाइथागोरस ट्रिपलेट्स, क्या होते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। देखिए ऐसे दो नंबर जिनके स्क्वायर को प्लस करने पे तीसरे नंबर के स्क्वायर के बराबर हो, उनको पाइथागोरस ट्रिपलेट्स बोलते हैं। अब कई बच्चों को इनका पता नहीं है कि क्या होते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। देखिए 3 2 3 5, अब कैसे, देखिए बड़े वाले नंबर का स्क्वायर अलग से करो और जो छोटे नंबर हैं इनका स्क्वायर को प्लस अलग से करो, दोनों का प्लस करना है, स्क्वायर सम करना है। तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 कितने बनते हैं, सॉरी 2 का स्क्वायर कितना बन गया 4, 3 का स्क्वायर अपना बन गया 9, तो यहां पे कितने आएंगे देखिए आप। हां तो देखिए पाइथागोरस ट्रिपलेट्स क्या होते हैं, किन्हीं भी दो नंबर को अगर प्लस करें तो वो तीसरे नंबर के सेम आने चाहिए स्क्वायर के, तो ये हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। अगर इनकी बात करें तो देखिए 3 का स्क्वायर कर दूं मैं और 4 के स्क्वायर को प्लस कर दूं, क्योंकि ये अपने छोटे नंबर हैं, दो छोटे नंबर को साइड में लिख लेता हूं और इनका स्क्वायर करके इनका सम कर देता हूं, 5 का स्क्वायर अलग से लिख देता हूं। देखिए 3 का स्क्वायर तो बनता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, तो ये तो बन गए 25 और ये भी कितने बन गए 25। तो क्या होते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट्स, ये तीन नंबर होते हैं 3 4 5, और इनके अंदर और भी बहुत सारे नंबर हैं,
कैसे पता लगता है इनका कि किन्हीं भी दो छोटे नंबर का स्क्वायर करो और उन दोनों को प्लस करो, हमेशा बड़े वाले नंबर के स्क्वायर के क्या आएंगे, इक्वल आएंगे, तो अपना क्या बन जाएगा, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स बन जाते हैं। तो इन नंबर को पाइथागोरस ट्रिपलेट्स बोलते हैं। तो अगला क्वेश्चन ही यही है अपना कि सिक्स आ गया, एक नंबर दे दिया, बोला दो नंबर आपको निकालने, तो अगर एक नंबर यहां पे वन नंबर दिया रहे और दो नंबर एक्स्ट्रा निकालने, यहां पे कोई भी नंबर होंगे एट जो भी है टेन जो भी होते हैं वो नंबर निकालने अपने को, तो उसके लिए पाइथागोरस ट्रिपलेट्स निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। देखिए क्या है, इनको मानते हैं नंबर, कैसे कि फर्स्ट नंबर को हम बोलते हैं कि 2m होता है, सेकंड नंबर को हम बोलते हैं m स्क्वायर माइनस 1 होता है, थर्ड नंबर अपना क्या होता है m स्क्वायर प्लस 1। आप हमेशा याद रखिएगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे आप। पहले नंबर को हमने 2m मान लिया, सेकंड को m स्क्वायर माइनस 1 मान लिया, थर्ड को मान लिया m स्क्वायर प्लस 1। तो देखिए अपने को 6 दिया है डायरेक्ट, तो 6 जैसे दिया है अपने को 6 को बोल देना है कि ये 2m के इक्वल है। जैसे 2m के इक्वल हुआ, 2 उधर गया डिवाइड हो गया, m की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, m की वैल्यू अपनी क्या आ गई है 3 आ गई, क्योंकि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट्स होते हैं 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। तो अपने को क्या करता था, पहला नंबर तो अपने को फर्स्ट नंबर तो दिया ही था 6 है, अपने को दो नंबर और निकालने हैं, सेकंड और थर्ड और निकालना है। ठीक है, देखो कैसे निकालेंगे, फर्स्ट नंबर 6 दिया था तो हमने 6 ऐसे कैसे लिख दिया। दूसरी बात, हमने क्या कि 2m के इक्वल अपने 6 लिखा और m की वैल्यू आ गई 3। अब बड़ा आसान हो जाएगा, m की वैल्यू जैसे 3 आ गई, अब अपने को सिंपली m स्क्वायर माइनस 1 निकालना है। यहां स्क्वायर पे गौर मत कीजिएगा, स्क्वायर मैंने यहां पाइथागोरस के लिए लिखा है कि पाइथागोरस ट्रिपलेट्स इस तरीके से निकलते हैं, अपने को तो निकालने हैं नंबर। तो m स्क्वायर माइनस 1 लेना है अपने को, m की वैल्यू अपनी 3, 3 का स्क्वायर कर दो, 9 माइनस 1 कितना बन गया 8, तो सेकंड नंबर अपना आ गया 8। थर्ड नंबर की बात करूं, थर्ड नंबर होता है m स्क्वायर प्लस 1, तो m स्क्वायर प्लस 1 कर लीजिए, 3 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये बन गया 9 प्लस 1 कितने बन गए 10। देखते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट्स है या नहीं, इन दोनों का स्क्वायर करके प्लस कीजिए और 10 का स्क्वायर कर दीजिए। ये होता है 36, ये होता है 64, ये होता है 100, तो ये भी बन गए 100 और ये भी बन गए 100, तो अपना क्या आ गया पाइथागोरस ट्रिपलेट्स हो गए, और हमने दो नंबर और निकाल दिए, कौन कौन से 8 और 10। ऐसे ही मैं बात करूं 14 की, तो एक 14 वाला और बता रहा हूं, बाकी क्वेश्चन आप ही को करने हैं, सेम इसी प्रोसेस से करने हैं। अगर मैंने ज्यादा जल्दी अरेंज कर दिया तो आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिए कि मैंने क्या किया उसके अंदर। 14 की बात करते हैं, तो देखिए 14 को क्या कर लेंगे हम, पहला नंबर तो 14 दिया है, 14 को 2m के इक्वल लिख देंगे, 2m के इक्वल लिखा तो 14 में 2 का डिवाइड कर दो, कितना बनता है अपना 7 बन गया अपना। अब 7 आ गया, अब करना क्या है आपको, सेकंड नंबर निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, m स्क्वायर माइनस 1 का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, m मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 1, 49 माइनस 1 कितना होता है अपना 48, तो सेकंड नंबर अपना क्या आ गया 48 आ गया। थर्ड नंबर की बात करें, थर्ड नंबर कैसे निकलेगा अपना, m स्क्वायर प्लस 1 से निकलेगा, मतलब m की वैल्यू है 7, 7 के स्क्वायर में 1 प्लस कर दो कितना बन गया 49 प्लस 1 50 बन गया, तो अपना थर्ड नंबर क्या आएगा 50 आएगा। अब आप इसको करोगे, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर निकालोगे 14 का और इसका, तो क्या आएगा, इनको भी स्क्वायर करके जोड़ोगे तो 2500 आएगा और इसको भी करोगे तो 2500 आएगा, मतलब 2500 हमने दोनों आंसर आ जाएंगे। ऐसे ही अब ये दो क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं 16 और 18, तो आप मेरे को असाइनमेंट भी इनको करके सबमिट कीजिए। आज के लिए इतना ही 6.2 में, धन्यवाद, क्वेश्चन कीजिए और शो कीजिए असाइनमेंट में।